एवं लंबे समय से जिला उद्योग केंद्र के पास लगी अवैध गुमटियों को हटाने की शिकायत करने जनदर्शन पहुंच दिया गया ज्ञापन। दुर्ग नगर निगम द्वारा लगातार शिकायत व आवेदन देने के बाद भी दुर्ग के जिला उद्योग केंद्र के पास लगी अवैध गुमटियों को हटाने की मांग की जा रही है, मगर दुर्ग नगर निगम के अधिकारियों द्वारा ढिलाई बरते जाने के कारण आज तक यहां अवैध गुमटी संचालित की जा रही है, जिसके चलते सारी व्यवस्था लचर नजर आती है। इसी कड़ी में स्थानीय गुमटी संचालक रऊफ अंसारी ने सोमवार को जनदर्शन पहुंचकर अपनी पुनः शिकायत का ज्ञापन सौंपा, साथ ही न्यूज टीम के समक्ष प्रतिक्रिया दी। DIC कॉम्प्लेक्स के पास में अवैध गुमटी रखा है, इसकी शिकायत मैंने करीब 10-11 बार कर चुका है, उसी के लिए आए थे। कलेक्टर महोदय ने मार्किंग किया नगर निगम को, लेकिन नगर निगम वाले कुछ सुनते नहीं हैं। लगता है वहाँ खाना पूर्ति हो रही है। ठेले वाले बोलते हैं कि हमने नगर निगम को पैसा दिया है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। 5 दुकानें हैं अवैध, 5-6 दुकानें हैं अवैध हैं। 12 बार शिकायत कर चुका हूँ। गुप्ता जी हो गए, अपना थान सिंह जी हो गए, सब आते हैं, अपना खानापूर्ति करते हैं, चले जाते हैं, बाकी कोई कार्रवाई करते नहीं है। कुछ नहीं बोलते, देख के चले जाते हैं, बस देखेंगे, हटाएंगे, सोचेंगे। बाकी सब कब्जा हटाया गया है, लेकिन वही कब्जा है, बस वहाँ की पूरी हटा दी गई है, वो 4-5 ठेले ही बच रखे हुए हैं। इसका मतलब समझ लीजिए क्या मामला। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।